एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने नवरात्रि का फास्ट रखा है? और अगर आपने नवरात्रि का फास्ट रखा है और कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आप क्यों नवरात्रि का व्रत रखे हो, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, और आपको ये चीज नहीं पता है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या साइंस है, क्या लॉजिक है नवरात्रि फास्ट रखने के पीछे, क्यों लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की ही पूजा होती है, क्यों कन्या पूजन ही होता है, क्यों औरतों को इतना ज्यादा पूजा जाता है ड्यूरिंग नवरात्रि। एंड थर्ड थिंग मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में क्या जरूरत है गरबा डांस ये सब कुछ डांडिया नाइट करने की, इन सबके पीछे रीजन है, लॉजिक है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, जिन लोगों को इसके पीछे की साइंस नहीं बताया उन सबको ये वीडियो शेयर कर डालो। एंड चैनल पर आई गई हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबाकर, जो कंप्लीटली फ्री है। और आप चाहो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी टपक सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप मुझसे पेड कंसल्टेशन या सेशन ले सकते हो। इट कैन बी स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइफ इश्यूज, वर्क इश्यूज या कुछ भी, राइट। एंड विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवरात्रि आप सबने देखा होगा हर 6 महीने के बाद आते हैं, यानी कि एक ग्रीष्मकालीन और एक शरदीय नवरात्रि, यानी कि गर्मियों वाले और सर्दियों वाले दोनों नवरात्रि आते हैं, राइट। देखिए, हर 6 महीने बाद क्या होता है, मौसम जो है वो बदलता है हर 6 महीने के बाद। एंड आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है लोगों को खांसी, जुकाम, कफ, फीवर, ये सारी दुनिया भर की चीजें होती हैं, आलस, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, मौसम बदल रहा है, खाना पीना बदल रहा है, तो आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। एंड हर 6 महीने के बाद आपकी बॉडी को कंप्लीट क्लिंजिंग की, यानी कि प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। जो डिटॉक्सिफिकेशन आप नवरात्रि अगर फास्टिंग करते हो तो बॉडी का हो जाता है, बॉडी अंदर से पूरी तरह से क्लींज हो जाती है इन 8 दिनों के या 9 दिनों के फास्टिंग के अंदर जो आप कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन सबको क्या मिलता है, आराम मिलता है, उन सबको भी रेस्ट की जरूरत है। कंटिन्यू आप कुछ कोई जंक फूड खा रहे हैं, छोले भटूरे समोसे दुनिया भर की चीज़ें आप खा रहे हैं, तो बॉडी जो है ना उन चीज़ों को पचा नहीं पा रही है। इसीलिए क्या होता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आप बीमारियों से दूर रहें, आपकी बॉडी टॉक्सिफाई हो, इंटरनल क्लिंजिंग हो जाए, आप नए मौसम के लिए तैयार हो जाए, इसलिए हर 6 महीने के बाद नवरात्रि फास्टिंग का प्रावधान है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई हम वैसे भी तो व्रत कर सकते थे, नवरात्रि को ही क्यों रखा गया। हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा समझदार थे, उनको पता था अगर हम वैसे बोलेंगे ना भाई भूखे रह लो कुछ नहीं खाना है, तो आप लोग बोलोगे नहीं भाई हमें तो खाना खाना है, और तो इसलिए बोल दिया गया कि भाई नवरात्रि व्रत रखो, देवी दुर्गा सब अच्छा करेगी। एक्चुअली में देवी दुर्गा सब अच्छा करती है, राइट। प्रश्न नंबर 2 कि भाई नवरात्रि में देवी दुर्गा की ही क्यों पूजा हो रही है, कन्या पूजन ही क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा औरतों को सर चढ़ा के क्यों रख दिया गया है, तो ये इसके पीछे रीज़न है। देखिए, हमारे कल्चर में क्या है, ग्रेटिट्यूड शो किया जाता है, जिससे भी आपको कुछ मिल रहा है आप उस चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं एक्चुअली में, राइट। तो नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि आपके शरीर में जो सेल्स हैं ना उन सेल्स का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मदर से ही बेबी को मिलता है। तो आपके शरीर में जो शक्ति है, जो इतने सेल्स हैं जिसकी वजह से आप सब कुछ कर पा रहे हो, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फीमेल की वजह से है, वो आपको सिर्फ एक फीमेल बॉडी से मिलता है, राइट, आपको आपकी माँ से मिलता है। इसलिए आप सभी लोग अपनी माँ के प्रति, देवी दुर्गा माता माँ उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हो, उनको सम्मान देते हो। और कन्या पूजन इसीलिए होता है कि भाई वही भावी पीढ़ी है जिनसे हमारा संपूर्ण जगत संसार ये सब कुछ चलने वाला है, तो इसलिए फीमेल्स के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करने का ये एक तरीका है, क्योंकि उन्हीं से आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस कहा जाता है सेल का, वो फीमेल बॉडी से ही आपके शरीर के अंदर आता है, राइट। प्रश्न नंबर 3 कि भाई चलो ठीक है फास्ट रख लिया, पूजा पाठ कर लिया फीमेल्स का, डांसिंग क्या क्या जरूरत है। देखिए, जब आप फास्ट रख रहे हैं तो उस टाइम पर ना आपकी बॉडी हो सकता है थोड़ी लेजी हो जाए, जब लेजी लिथार्जी होते हैं आप बोर फील करेंगे, आप थोड़ा सा हो सकता है आप डाउन वाले जोन में चले जाएं, तो आपके मूड को एलिवेट करने के लिए डांसिंग, गरबा, ये सब कुछ रखा जाता है। और जब आप डांस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो, एक्टिव फील करते हो, अदरवाइज इतने दिन भूखे रहने के बाद आप सबकी लग जाने वाली है, राइट। तो क्या है, आप इसलिए डांस करते हैं ताकि आप एक्टिव रहे, आप हैप्पी रहे, आपके अंदर वो लेजीनेस ना आए और आप इजीली अपनी फास्टिंग को कर सके। तो ये मेन रीजन था फास्टिंग करने के पीछे नवरात्रि में। एंड अगर आपने फास्ट रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि हाँ आपने फास्ट रखा है। मैंने पूरे फास्ट रखे हैं, मैं बहुत सालों से, यानी कि मैं अराउंड में अपने बचपन से फास्ट रखती आ रही हूँ और इसीलिए शायद मैं चल पा रही हूँ, राइट। एंड वीडियो पसंद आया तो थम्स अप, नहीं पसंद आया तो इट्स ओके, यू कैन थम्स डाउन, बट आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा लीजिएगा। हरे कृष्णा।